और दादरा नगर हवेली के प्रशासक माननीय भल्ला साहब, डेवलपमेंट कमिश्नर संजीव कुमार जी, नगर पालिका के प्रमुख चंदनबेन डेलकर, जिला पंचायत के प्रमुख शंकर भाई वाघमारे, हमारे आईजी खुराना साहब, हमारे कलेक्टर मीना साहब और योगेश जी, और हमारे यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के चेयरमैन खराज जी, मधुकर जी, और यहाँ हमारे पार्टी के प्रमुख दिग्विजय सिंह भाई परमार, नगर पालिका में हमारे विपक्ष के नेता फतेह सिंह भाई चौहान, एसपी सत्यम सुंदरम जी, काउंसिलर राकेश भाई, अल्ताफ भाई और सभी हमारे चुने हुए प्रतिनिधि, और यहाँ उपस्थित सभी मीडियागण और पूरे दादरा नगर हवेली से आए हुए पंचायत के सरपंच, यहाँ के काउंसिलर और सभी भाई और बहनों और सभी हॉस्पिटल का स्टाफ, आज दादरा नगर हवेली का ऐसा दिन है जैसा डेवलपमेंट कमिश्नर साहब ने कहा कि एक इतिहास में लिखा जाएगा और एक दिन याद रहेगा, ऐसा आज का दिन है। संजीवनी स्वास्थ्य बीमा योजना, मेरे को याद है मेरे पास हर रोज कुछ लोग आते हैं कि हम कोई बड़ी बीमारी हो गई, कोई छोटी बीमारी हो गई, तो हमारे यहाँ से प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी है, लेकिन कुछ बड़ी बीमारी हो जाती, जो गरीब समाज जो रहता है उनके पास पैसा ना होने से कारण उनको खुद को उनकी ज़मीन बेचना पड़ता है, खुद के घरने बेचना पड़ता है, कोई घर पे बच्चा बीमार पड़ता है तो उसको माता पिता को सबसे ज़्यादा प्यारा उनका बच्चा रहता है, तो उनके लिए हमने सोचा और मैंने प्रशासन को एक आवेदन दिया था कि यहाँ दादरा नगर हवेली में एक बीमा योजना लागू किया जाए। तो मैं आज प्रशासन को और प्रशासक को पूरा धन्यवाद देता हूँ कि आपने एक संजीवनी योजना लागू किया और पूरा दादरा नगर हवेली जनता को आपने एक दिशा दी है। मैं आज ये कहना चाहूँगा, जैसे रामायण में जब भी लक्ष्मण रावण के सामने युद्ध करने के लिए गया था तो उनको रावण ने उसको उसके जो उनके साथ युद्ध हुआ था तो उनका जो रावण का जो लड़का उनके सामने युद्ध हुआ था तो उनको बेहोश कर दिया गया था। तो सबको ये बात याद है कि हनुमान जाके